हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के ऊपर। जी हाँ, जब से टिकटॉक के बैन हुआ है इंडिया में, तब से बहुत सारे लोग इसका रोना रो रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है जब, तो उसका सोल्यूशन हमेशा हमारे पास में होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते। तो आज के वीडियो में हम उसी सोल्यूशन की बात करेंगे। जो लोग फिर से चाहते हैं कि टिकटॉक पे जो काम वो कर रहे थे वो फिर से करना चाहते हैं, तो वो आप उस चीज़ की मदद से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा जो अभी टिकटॉक के बीच में ही फंसे हैं। टिकटॉक की उनको दिन रात में दिखता रहता है, तो उनके लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो आप एक बार देखिए। उसके बाद हम उस ऑल्टरनेट सोल्यूशन की बात करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है, और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतने इतनी इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना। करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। हाय आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो देख लिया, अब वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सही किया है या फिर गलत किया है। और जो चीज़ आपको लगती है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या ये सही था टिकटॉक को बैन करना और बाकी चाइनीज़ ऐप को बैन करना, या फिर गलत था। मैं जहाँ तक सोचता हूँ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपने सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे जो कर रहे हैं, वो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी भी फैमिली है, सब कुछ है, तो एटलीस्ट हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने किया है वो सही है। तो अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन के पास में, टिकटॉक का जो अल्टरनेट है वो क्या है। तो दोस्तों, जो एक मैं आज ऐप के बारे में बता रहा हूँ, जो कि इंडियन ऐप है, इंडियन कंपनी ने इसे बनाया है, और इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ सर्च में जाके आप टाइप करेंगे ROPOSO, ठीक है, रोपोसो आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे रोपोसो इंडियाज़ ऑन वीडियो ऐप। इसके नाम पे मत जाना दोस्तों, ऐप बहुत अच्छा है, नाम पता नहीं अजीब सा क्यों निकाला है इंडिया वालों ने। तो इसको आप ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में आप ओपन करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो डायरेक्टली मैं ओपन करता हूँ इसको। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको जैसे टिकटॉक में जो इंटरफेस दिखाई देता था वैसा ही इसमें भी आएगा, आपकी आईडी वगैरह लॉगिन करने के बाद में, ठीक है। उस पर वीडियो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो वीडियोस आते जाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगी कि नीचे कैटेगरीज दी गई है, तो जिस कैटेगरी का वीडियो हम देखना पसंद करते हैं वो कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे और उसी कैटेगरी के टाइप के वीडियोस अपने सामने आते जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन मैक्सिमम वही हैं जो टिकटॉक पे थे, उससे कम नहीं है, ऑप्शन उससे ज़्यादा ही है। सबसे ऊपर आप देखेंगे जो टू पॉइंट ये है स्टार, जो हार्ट का आइकॉन है, वहाँ पर क्लिक करके हम इसको लाइक कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सअप का आइकन है, व्हाट्सअप पर क्लिक करके हम इसको शेयर कर सकते हैं किसी को भी, और उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो भी फोल्डर आपने सेव कर रखा होगा एज ए डिफ़ॉल्ट, जो फोल्डर होगा वहाँ पे ये सेव होता जाएगा। और उसके नीचे जो कोलैब का ऑप्शन है, आप टिकटॉक पे भी कोलैब वीडियो बनाते थे, किसी भी वीडियो का कोलैब करते थे, तो यहाँ पे भी वो सब कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो कैमरे का आइकन है जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप खुद का वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक अलग बात और है दोस्तों, इसके थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं। अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैं 2 दिन ही हुए इसको डाउनलोड किए हुए, और मैं खाली इसको देखने के लिए ही मैंने डाउनलोड किया था, तो मेरे को सही लगा ऐप। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें जो आप अपलोड करेंगे वीडियो शुरू में, तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले, क्योंकि दोस्तों जो ये ऐप है वो अचानक से बूस्ट कर रहा है, बूम हो रहा है, इस पर बहुत सारे ट्रैफिक एक साथ आ रहा है, क्योंकि जो भी टिकटॉक से बैन किया तो टिकटॉक जो यूज़ कर रहे थे वो सभी अब कोई अल्टरनेट उसका ढूंढ रहे हैं। तो ये ऐप सबसे ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो 4.2 स्टार इसकी रेटिंग है, 664,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है, और 50 मिलियन से ज़्यादा इसको लोगों ने डाउनलोड किया है, कर लिया है। तो मेरे हिसाब से ऐप अच्छा है, और
थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ सकता है, जो अभी तो मेरे को नहीं लग रहा, बट हो सकता है जहाँ पे नेट थोड़ा स्लो हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी ऐप अच्छा आप यूज कर सकते हैं। और मैं तो एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग केवल टाइम वेस्ट करते हैं इस किसी भी टिकटॉक या किसी भी ऐप पर, तो वो इसको डाउनलोड नहीं करें। अच्छा है ऐप बंद किया तो आप और कुछ कर सकते हैं जो आपके काम का हो, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं आपको चाहिए चाहिए ऐसा ऐप, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टिकटॉक से किसी भी मामले में कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, खुश रहना, ख्याल रखना अपना। बाय बाय।